हेलो देखिए आप लोग जो भी बच्चे यहाँ आए ठीक है, अभी का जमाना बदल गया। पहले की जैसा नहीं था कि किसी भी की पढ़ाई से चलते जा रहे हैं। वो तो पहले नौकरी खोज के लोग कंपनी वाले जाते थे, सरकार भी कम खोज कर देता था। तो लोग कभी दादा परदादा या अपने पिताजी से पूछना कि नौकरी नहीं करने के लिए लोग क्या करते थे, तो पुआल में लुकाते थे, छिपते थे पुआल में, घर में। लेकिन सरकार का नौकर नहीं बनना चाहते थे। आज जमाना क्या हो गया, उल्टा हो गया, बदल गया। अभी इतना लाइन लगा हुआ है कि सरकार कह रही है मेरे पास नौकरी नहीं है, ठीक है। अब जो भी है वो हम कंपटीशन से लेंगे। किससे लेंगे? कंपटीशन से लेंगे, प्रतियोगिता से लेंगे। तो कौन कौन सा भारत में कौन कौन सा एग्जाम होता है नौकरी चाहने के लिए, कौन कौन सा एग्जाम होता है ये मालूम रहेगा तब ना। आप पढ़ रहे हैं, जैसे हम चल रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हमको पता नहीं। अरे घर से जब निकलते हैं खाना खा के तो स्कूल जा रहे हैं, तो स्कूल के लिए सोच के चलते हैं कि हम स्कूल जा रहे हैं। स्कूल से आए तो मम्मी मार्केट भेजी, तो मार्केट का रास्ता पकड़ते ही नहीं। तो उसी तरह से पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, ये मकसद पता ही नहीं है कि हम किसमें जाएंगे और हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, कितना पेमेंट होगा, हम कैसे अपने जिंदगी को एक सफल पूर्वक कैसे बिताएंगे, इसका ख्याल ही नहीं है। पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं पता नहीं, ठीक है। और विकसित देशों में अभी 6G या 7G में चल रहा है, ठीक है। जापान इतना टेक्निशियन में आगे है कि तुम्हारा एक क्लास जो होता है उसमें एक क्लास में पूरा घड़ी से लेकर बाजा सारा किट प्रोवाइड किया जाता है, उससे टिक करने का ट्रेनिंग दिया जाता है, वो वहाँ का पढ़ाई। हमारे यहाँ का बस घिसी पिटी अकबर बाबर हुमायूं है ना, हिस्ट्री ज्योग्राफी करते रहो तो वो सबसे लाइक नहीं बनने वाला है। हम समझ रहे हैं कि जो अभी आवश्यकता है उसी के अनुसार पढ़ें। अच्छा, गार्जियन भी इस बात को नहीं जानते हैं कि हम बेटा को पढ़ा रहे हैं तो क्या बनेगा। पढ़े लिखे गार्जियन का बात कर रहे हैं, जो साधारण किसान है उनको तो नॉलेज ही नहीं, लेकिन जो मैट्रिक है बीए है उनको भी पता नहीं है कि हम सिक्स, हमारा बच्चा 6, 7, 8 आ गया है तो हम इसको किस लाइन में भेजें। वो खुद बच्चा जब मैट्रिक पास कर जाता है, इंटर पास कर जाता है, तो अब पढ़ाई का तो डिग्री खत्म, अब बीए वाला भी खत्म, अब क्या करेगा बेचारा। तब कहेगा हम कंपटीशन में तैयारी करेंगे। वो जिम्मे हाँ, उसके लिए क्या करना है बेटा, क्या करना है उसके लिए, बड़का कोचिंग में जाना है, नाम लिखाना है, हजारीबाग है ना, कोटा तो दिल्ली, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के सामने जैसे पटना, ठीक है ना। खान सर क्या बोलते हैं जी कि आवश्यकता ही आविष्कार की जरूरत है। अब बोलते हैं कि जिस चीज का जरूरत है उसको किए। अभी जितना हम बोर्ड में लिखे हैं ये सभी पद क्या है, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ये सभी एग्जाम है, एग्जाम का प्रतियोगिता परीक्षा का एग्जाम लिखा हुआ, ठीक है। तो उसमें कौन कौन से एग्जाम होता है, उसमें अभी फाइन का दिए हैं और एसएससी का, अभी रेलवे बाकी है। अब तुम लोग जिस वास्ते यहाँ आए हो वो कहलाएगा एजुकेशन, ठीक है। एजुकेशन अभी बाकी है, जैसे नीट, जेईई मेंस, ये सब जो है वो एजुकेशन कॉम्पिटिशन कहलाता है, वो सब रेलवे और एसएससी में नहीं आता। तो आप लोग को ये तय करना है कि हमको किस लाइन में जाना है और कैसे करना है।
ठीक है। तो पहला जो लिखे हैं पीओ, पीओ मतलब समझते हैं, आज हमने थोड़ा सा तबियत बिगड़ा हुआ है इसलिए थोड़ा बैठ के हम समझाते हैं, है ना। अच्छा अच्छा ठीक है, नहीं उतारिए ना। पीओ मतलब प्रोबेशनरी, प्रोबेशनरी ऑफिसर। बैंक कभी गए होंगे तो प्रबंधक को क्या कहते हैं, मैनेजर, क्या कहते हैं, हाँ प्रशिक्षु मैनेजर। मतलब वो पीओ के साथ बैंक मैनेजर क्या करता है, दोनों दोनों का यहाँ भूमिका होता है, ठीक है। तो इससे बैंक मैनेजर तक पहुंच सकते हैं, ये समझ गए। बैंकिंग में कौन कौन सा है, जैसे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका वैकेंसी निकलेगा, तो बाबू वैकेंसी निकलेगा ये कैसे पता चलेगा, ये भी तो नॉलेज होना चाहिए। तो वैकेंसी निकलेगा तो इसके लिए गूगल में, क्रोम में, जो भी ब्राउजर है ठीक है आपके मोबाइल में, वहां सर्च करना होगा, ठीक। और इसके बारे में अभी जैसे डिटेल से नहीं बता रहे हैं, सिर्फ फुल फॉर्म वगैरह लिख लिए हैं, ठीक है। तो ये इसके बारे में डिटेल से जानकारी, जैसे कब कब परीक्षा इसका निकलता है, ठीक है, फॉर्म भरने का कितना पैसा लगता है, इसका प्रत्येक सब इसका वो कैटेगरिया होता है, ग्रेड पे कितना है, क्या क्या सुविधाएं हैं, और कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल है। थोड़ा साउंड कर दो कम, हेलो ये तो एकदम ही कम हो गया। हाँ तो बता रहे थे, सुनाई दे रहा है ना, कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है, ठीक है। इसका स्थापना 1935 में हुआ था 5 करोड़ रुपये के साथ, कब 5 करोड़ रुपये के साथ, आज आरबीआई बैंकों का बैंक हो गया। जब तक ये परमिशन नहीं देगा दूसरे बैंक का काम नहीं होगा, ठीक है। नाबार्ड क्या है, ये भी एक बैंक है जिसका फुल फॉर्म होगा नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। क्या इसका हिंदी लिख दिए हैं, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। ये ग्रामीण विकास, ग्रामीण जनता, ग्रामीण किसान कैसे विकास करे, तो उसके लिए नाबार्ड की गांव गांव में स्थापना करने का है, गांव लेवल पर नाबार्ड होना चाहिए, ठीक। तो ये समझ गए, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। पीडीपी क्या होता है, देखो ये एम है, एम फॉर मैनेजर, और ई फॉर, ए फॉर अकाउंटेंट, क्या है अकाउंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। देखो कोई भी संस्था जब चलता है, बड़ा बड़ा संस्था, तो एक इंजीनियर रखता है जो डाटा को क्या करता है, प्रोसेस करता है, क्या करता है प्रोसेस। भिन्न भिन्न तरह के डाटा होते हैं, तो डाटा को कैसे प्रोसेसिंग होगा, उसके लिए मैनेजर और प्रत्येक ग्राहक का, जैसे बड़े लेवल पर ट्रेड जो होता है, ठीक है, मार्केट जो होता है, उसमें अकाउंटेंट, अकाउंटेंट भी मैनेज करता है, ठीक है। तो अकाउंटेंट उसके लिए होता है, अकाउंट को संभालता है, किस रूप में, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, मतलब यहाँ इंटरनेट का ही काम है, ठीक, यहां तक समझ गए ना। तो ये क्या कहलाया, बैंक में इतना पोस्ट है, 1 2 3 4 5। अब जैसे बैंकिंग का तैयारी कर रहे हैं तो पते नहीं कि क्या होता है, आरबीआई का होता है, नाबार्ड क्या होता है, कि इसमें कब वैकेंसी निकलेगा, तो वैकेंसी कब निकलेगा,
इसको हम कहां सर्च करेंगे? गूगल में। आप उसमें डेट वगैरह सब दिखाना शुरू करेगा, कैसे अप्लाई करना है सारा वीडियो वगैरह सब डाला हुआ रहता है, तो उसका लिंक में जाओगे सारा कुछ पता चलेगा। अभी इतना ही सा यदि हम नहीं बताएं, ठीक है, यहाँ नहीं बताए तो पते नहीं चलेगा कौन कौन सा चीज होता है। हम पढ़ रहे हैं अभी उम्र है पढ़ने का, माए बाप सोच रहा है ठीक है पढ़ रहा है, अभी पढ़ने का है तो पढ़ रहा है ना भाई, क्या करेंगे अभी तो ये कमाएगा नहीं, है ना, बाप का होटल चालू है ना, तो अपना होटल में जब आओगे ठीक है, शादी ब्याह हो जाएगा तो बाप का होटल से काम नहीं चलेगा, चलेगा क्या? अपना होटल खोलना होगा, अपना चूल्हा जलाना होगा, मतलब हाँ जी ठीक है, क्योंकि तुम्हारे फादर मदर कितना दिन तक रहेंगे, वो तो आज ना कल, वो प्रकृति का नेचर है कि बुढ़ाएंगे, हाँ ऐसा थोड़ी है कि पापा बुढ़ा जाएंगे और मम्मी है सो जवान रहेगी, अरे मम्मी भी बुढ़ी होगी, होगी कि नहीं, ठीक है रिसीव करो। SSC की ओर बहुत नाम सुने होंगे, SSC है ना, क्या होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। अब वहाँ यदि JSSC लग गया क्या हो गया? झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। कमीशन क्या होता है बाबू? कमीशन एक आयोग होता है, क्या होता है? आयोग होता है जो अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था होती है, जिसका अपना डिपार्टमेंट होता है। सरकार कितनों अपना बुद्धि गति में हेमंत सोरेन अभी बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन हेमंत सोरेन बहाली नहीं कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? अपने विधानसभा में पारित करके, है ना, मंत्रिपरिषद में पारित होगा और उसके बाद राज्यपाल का जब अंतिम मुहर लग जाता है तो वो जारी हो जाता है ना, तो वो चिट्ठी कहाँ जाएगा? JSSC में। कहाँ जाएगा? JSSC वो फॉर्म फिलअप करने का डेट निकालेगा, उसको क्या कहते हैं? विज्ञप्ति। क्या कहते हैं? विज्ञप्ति, है ना। अभी उस विज्ञप्ति में सारा उस नौकरी का सारा नियम कानून सब लिखा हुआ रहेगा, ठीक है ना, कम से कम मिनिमम तो 20 पन्ना से ओवर रहता है, कम नहीं रहता है। वो PDF डाउनलोड हो जाएगा, नेट से डाउनलोड कर लोगे और उसको देख सकते हो। देखो तुम लोग को इसलिए बता रहे हैं, समय गुजरने में लेट नहीं लगता, 3-4 साल गुजरते गुजरते तुम लोग साहब है सो इंटर पास करोगे, कर जाओगे, उसके बाद 2 साल गुजरने में लेट नहीं, BA है ना, और तब तक से एक लिंक मिला हुआ आइए BA करना है, उसके बाद क्या करना है उसको सोचने भर हो जाता है कि अरे अरे भाई अब तो वह बहाना खत्म हो गया, अब क्या करें। तो जो नहीं पढ़ाई करेगा क्षेत्र विशेष लेकर के वो झांक मारेगा, अभी BA MA करके रोड में घूम रहा है ना जी, बेरोजगारी है ना, बेरोजगारी का आलम बहुत है, इसलिए दो लोग को पढ़ाई करना है तो कुछ टेक्निकल पढ़ाई करना है, आधुनिक जमाने के मांग के अनुसार पढ़ाई करना, ठीक। अभी इंग्लिश ऑनर्स कितने लोग यहाँ बड़का गांव में इंग्लिश ऑनर्स है? ना के बराबर है ना, संस्कृत ऑनर्स ना के बराबर। यदि मास्टर ही बनना है तो पहले से रेडी हो जाओ कि हम जिसमें भीड़ नहीं है उसमें हम जाएंगे। अरे हमको डॉक्टर बनना है तो हम पहले ही हम मैथ बायोलॉजी वगैरह सब बढ़िया रखेंगे। इंजीनियरिंग करना है तो 6th class से ज़्यादा मैथ पर ध्यान देंगे, तो उससे क्या होगा कि हम और विषय में जो सब्जेक्ट में ध्यान दे रहे थे वो उसमें ज़्यादा देंगे तो हमारा रिजल्ट सक्सेस होगा। देखो मेहनत करना बहुत बड़ी बात नहीं है, जो जितना ज़्यादा मेहनत करेगा उतना कम रुपया कमाएगा। कैसे, क्या बोले, जो जितना ज्यादा मेहनत करता है उतना कम पैसा कमाता है। जैसे मास्टर से तो मेहनत ज्यादा कौन करता है? लेबर। अभी देखो धर्मशाला में काम हो रहा है, देखो ईटा ढो ढो करके ऊपर लेकर रहे ना,
बताओ मास्टर उतना करने सकेगा, उससे तो हार्ड वर्किंग वो कर रहा है, तो हमसे तो ज्यादा बेहतर उसका होना चाहिए ना। यस सर। लेकिन होता है क्या? नहीं। स्मार्ट वर्क उसको कहते हैं जो स्मार्ट वर्क में जाएंगे, पैसा भी अधिक होगा और काम भी कम पड़ना करना पड़ेगा। तो किस चीज का काम? मेंटेलिटी काम करना पड़ेगा, दिमाग का काम करना पड़ेगा, है ना। सुनो सुनो, गांव देहात में क्या कहता है? अकल बड़ा की भैंस। अकल बड़ा है। तो अकल बड़ा है, भैंस बड़ा नहीं है। तो अकल से काम लेना, ठीक। चलो आगे देखो, ये सब इसलिए बता दे रहे हैं कि आने वाले समय में आपका समय ऐसा आ रहा है कि वो आंधी तूफान का उम्र है। जो इस पीरियड में संभल जाओगे वो संभल जाओगे, है ना। और जो अपोजिट जेंडर विपरीत लिंग के प्रति अट्रैक्शन होगा और उसमें जो बहेंगे वो जिंदगी भर के लिए बह जाएंगे। इसलिए 9th, 10th, 11th, 12th ये सब ऐसा पीरियड होता है आंधी तूफान का। इसमें जो बच गए, जैसे लड़की लड़का के चक्कर में ना पड़े, लड़का लड़की के चक्कर में ना पड़े, समझ रहे हैं, तो वो जिंदगी में सक्सेस होंगे। और नहीं तो पढ़ेंगे क्या, मोबाइल में सर्च करेंगे, गूगल में ये सब क्या सर्च करेंगे, वो उसका फेसबुक आईडी खोजने में रहेगा कि उसका फेसबुक आईडी कैसा है ना। और 10 लोग का देखते रहेगा, पता चलेगा उसमें लव मैरिज हो गया, उसके बाद पता चलेगा वो लड़की ने सुसाइड कर ली। घर वाला को भी नहीं कह सकती है, क्यों? क्योंकि वो अपने मन मर्जी से की थी। इसलिए बाबू और मैया सब ये गलती नहीं करना। देखो तुम लोग पढ़ने आए हो, कैरियर बनाओ, कैसे बनता है वो गुड़ मंत्र बता रहे हैं, समझ रहे हो। हेलो हेलो, अल्लाह नहीं। तो ये सब इसलिए कर दे रहे हैं ताकि तुमको नजर आए कि हमको किस में जाना है। जैसे किसी कोई मन बना लिया कि नहीं हमको बैंकिंग में जाना है, तो बैंकिंग में कौन सा पोस्ट में जाना है तो ये जानेगा तब ना जी। ठीक। एलडीसी लोअर डिवीजन कलर आवर श्रेणी लिपिक। देखो प्रत्येक ऑफिस में एक सिर्फ लिख लेने से नहीं होगा, लाइनों मतलब समझेगी तब ना। लिपिक किसको कहा जाता है को बताओ, लिपिक क्या है? कलर की क्या होता है? हाँ, अरे कलर का हिंदी होता है लिपिक। क्या होता है? और लिपिक मतलब लिखने वाला, क्या करने वाला? लिखने वाला। तो कहाँ लिखने वाला? तुम लोग देखो लिखते हो तो क्या कलर के बन गए? लिखने का काम नहीं करते हो, लेकिन कलर नहीं बने। लिपिक मतलब प्रत्येक ऑफिस में जो ऑफिसर होता है उसके अंतर्गत में, जैसे वीडियो साहब को समझ लो, यहाँ साधारण उदाहरण, वीडियो साहब, वीडियो का फुल फॉर्म आता है ना, ब्लॉक डेवलपमेंट, उसके अंतर्गत में जो भी हैं बहुत सारे लिपिक मतलब कलर, ठीक है, जो उनके आदेशों का पालन करते हैं। अजी ये वो चिट्ठी निकालो, अजी एक डाटा निकालो, कितना आवासीय जाति और आय बना है इस साल में, इस सत्र में 2022-23 में, तो वो तुरंत निकाल करके जो भी समय लगेगा वो दे देगा, ठीक है। तो ये समझ गए। तो इसमें भी दो प्रकार का होता है, एक लोअर मतलब नीचे वाला और अपर मतलब ऊपर, दो तरह का लिपिक होता है, एक लोअर और एक अपर। तो अपर मतलब समझ रहे हो, यानी ऊंचा वाला लिपिक, ठीक, वो जल्दी मिस्टेक नहीं करेगा, बड़ा ऑर्डर को राइट करेगा। आगे देखो इनकम टैक्स, ये बहुत बड़ा चीज है भारत के लिए, ठीक है। भारत में इनकम टैक्स लिया जाता है ना, हर देश में लिया जाता है ना, पर है कि कहीं कोई ऐसा देश है जहां टैक्स फ्री भी बहुत कुछ रहता है ना, उसका अपना मोनोपोली है कि क्यों टैक्स फ्री करता है। हो सकता है जितना टैक्स नहीं लेगा उससे हम फ्री कर देंगे तो उससे ज्यादा इनकम आ जाएगी, ठीक है।
इनकम टैक्स सेंट्रल एक्सचेंज, ठीक है। उसके बाद देखो ये इनकम टैक्स से कोई नहीं बच सकता, हम लोग भी इनकम टैक्स देते हैं, ठीक है। तो इसका एक नियम होता है कि उतना से एवं अधिक कमाते हैं तो उसको टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स का हिंदी क्या होता है? कर। टैक्स का हिंदी हम पूछेंगे क्या? अभी वेतन नहीं, इसका मतलब समझो ना, वेतन पर क्या जाएगा उसको तो बोले कि गूगल में सर्च करेगा जी, ये सारा चीजें निकल जाएगा, है ना। देखो ए मछली मारने जाओगे तो पहले जगहवा पता करो ना कि कहाँ मछलियां मिलता, कौन सा गड्ढा में है जहाँ पानी का जहाँ स्रोत है, कौन सा स्रोत में ज्यादा रहता है वो पहले पता करो ना, ठीक है। तो पहले ये तो पता करो कि कौन कौन सा होता है। तो ये समझ गए? हाँ, इनकम टैक्स जो चोरी करेगा, देखो प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर, डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। तो उसके बारे में आगे क्लास में पढ़ोगे, जो अकाउंट रखेंगे, है ना, जिसको चार्टर्ड अकाउंट बनना है वो मैं रखेगा तो ये सब पढ़ेगा, ठीक है। सेक्शन, ये सेक्शन ऑफिसर एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंट। देखो एक प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन मीन्स प्रशासनिक, प्रशासनिक ऑफिसर, है ना, प्रशासनिक ऑफिसर सेक्शन। कुछ सेक्शन ऐसे ऑफिसरों का भी कुछ सेक्शन ऐसे होता है जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है और एक अकाउंट्स से संबंधित रिलेटेड होता है। बात नहीं करो इसलिए कि हमारा अपने गला बैठा हुआ है, उधर माइक है खराब हो गया, इधर लाइट चला गया, ठीक है। यहाँ जब जनरेटर चलता है तो वहां उससे कनेक्शन होना चाहिए। आगे देखो, ये यहाँ के बाद लिखे था ना, यहाँ आईटीबीपी वो इंडो तिब्बतन बॉर्डर फोर्स, ये तिब्बत के बॉर्डर में जो फोर्स का बहाली होता है उसका लिखा हुआ। ICSSR क्या है? ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, ये अनुसंधान परिषद, अनु देखे लाघव चिन्ह है ना, इसको कहते हैं हिंदी में लाघव चिन्ह, क्या कहते हैं? लाघव चिन्ह, कहां से रही है। और ये है परिषद, परिषद मीन्स काउंसिल, ठीक। तो भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद, अब इसके बारे में थोड़ा सा समय लो। सामाजिक स्तर पर डेवलप करने के लिए भारत सरकार ने इस विभाग का स्थापना किया है, ICSSR इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में भी खोज होना चाहिए। हम नजर है हमारा, देख रही है रूलवा, ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव प्रसारण कार्यपालक, ये क्या होता है? प्रसारण कार्यपालक क्या होता है मालूम? नहीं। प्रसारण भारती कभी सुनी है? प्रसारण भारती, प्रसार भारती, ये बीबीसी लंदन का प्रसार भारती केंद्र है, इतना एफएम से इतना एफएम, है ना, हजारीबाग एफएम सुने हो, अने रेडियो से संबंधित, टेलीविजन से संबंधित, प्रसारण से संबंधित, तो वहां भी कोई व्यक्ति ही होता है ना जी, कि ऑटोमेटिक संचालित हो जाता है नहीं, तो उसके लिए भी सर्विस के लिए निकलता है, है ना। तो ये कहलाता है ट्रांसमिशन, क्या कहलाता है? ट्रांसमिशन एग्जीक्यूटिव, मतलब प्रसारण कार्यपालक। यूपी पुलिस, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर,
सब इंस्पेक्टर को करते हैं एसआई, प्रत्येक थाना में एसआई होता है, ठीक, उसको हम क्या करते हैं है? सब इंस्पेक्टर कहते हैं, क्या कहते हैं, इसका मतलब सब जहां जुटता है वो इंस्पेक्टर से थोड़ा छोटा, इंस्पेक्टर से थोड़ा छोटा। देखो देखो उसका कर रहा है, तुम यहां नहीं समझ रहे। उसके बाद सीपीओ, सीपीओ क्या होता है, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ना, केंद्रीय पुलिस संगठन, केंद्रीय पुलिस संगठन, ये सब में भी जा सकते हो, बहुत सारे हैं। अभी तो एसएससी का लिखा है, अभी रेलवे लिखाएंगे, उसके बाद एजुकेशन लिखाएंगे कि कौन कौन सा पद होता है, कौन कौन सा पद होता है, और उसका चूंकि जब तक शीर्षक हेडिंग नहीं जानोगे तो उसमें सर्च भी कैसे करोगी, हेडिंग जानोगे तब ना। अब पढ़ लिया आगे भी है, अरे का कहें, हमर बेटवा तो एमए कर ले है संतोष, लेकिन का तैयारी करिए जी, हमारा तो समझ ही ना। अरे भैया तो वो जो पढ़ा है ना, वो कभी आठवां नौवां दसवां में ये सब पढ़ा ही नहीं है कि कौन कौन सा पद होता है, पढ़ तो लिया लेकिन वो क्षेत्र में जाएगा कैसे, वो सर्च करेगा कैसे, तो दिमाग है ना, ये माइंड को डेवलप करना है। यहाँ जो चाबी लगा हुआ है ना, ताला लगा हुआ है, चाबी नहीं, यहाँ जो ताला लगा हुआ है ना, उसके लिए चाबी का जरूरत होता है, तो हम चाबी का काम कर रहे हैं। तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तुम्हारे अंदर तो ऐसा लड़का लड़की है जिसको दिमाग भगवान ने दिया है, है सबको दिया है ना, सबको दो आंख दिया है, दो कान दिया है, ऐसा नहीं कि तुम्हारा दो आंख है हमारा एक एक आंख है, है? सबका है ना, बस सिर्फ अंतर इतना है कि कोई अपने दिमाग का छठी ज्ञान इंद्रियों को जागृत करता है, और कोई इतना है कि कुछ ऐसे रूढ़िवादी परंपराओं को घर में ढोते चलता है, माए बाप जैसे कर रहा है वैसे ये करो, ये करो वो करो, ऐसे कैसे करोगे, वैसे करो कैसे करोगे, बहुत सारा रूढ़िवादी चीज है, ठीक है। अब सुनो, इतना सारा पर्व त्योहार है, एक पर्व खत्म नहीं होता है तब ले दूसरा नंबर लगे ले रहता है। हम आवे थी है ना, अब जैसे छठ पूजा दीपावली खत्म होगा 6 दिन में छठ है ना, दीपावली खत्म होने का इंतजार है 6 दिन में, तो भारत में तो इतना पर्व त्योहार है, गिनती करने लगोगे तो तुमको पढ़ने का कभी फुर्सत ही नहीं मिलेगा, वही सब करते रह जाओ, तो वो सबको त्यागना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाँ। अब यहाँ गर्म आएगा तो 7 दिन तक नाचेगी, डालावा जगाएगी कि यहाँ पढ़ेगी, है सत्रह सप्ताह है सो एकदम गुड़बक जैसे बात करते हैं, डालावो नहीं जगह में देते हैं। अरे जब एक बार सक्सेस हो जाओगे ना तो कई एक डाला जगाते रहना है ना, विदेश में जाओगे उस समय शादी उदी हो जाएगा तो हस्बैंड जी साथ में लगेंगे एरोप्लेन से, कैसे तो बाबू पढ़ोगे तब ना, अपनी वाइफ को लेकोगे।